श्री हरिवल्लभ जी का निवेदन करूंगी। श्री चंद्रवीर सिंह जी से आप कृपया सर का सम्मान करें। स्वागत गीत प्रस्तुत करावे। अभिनंदन है और अब पुरस्कार निवेदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो टॉपर बालिकाएं हैं उन्हें टीना डाबी जी के उपाध्यक्ष बड़े भाई उमेश सिंह जी तंवर साहब, बहन अंजना जी मेघवाल और इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र कुमार जी शर्मा और अशोक, सभी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और खास करके प्रिय बालिकाएं, आज के दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने काफी टाइम से सभी के उद्बोधन सुने इतनी पेशेंटली और एंथुसियाज्म अभी भी बना के रखा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 अक्टूबर को दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य बालिकाओं, महिलाओं को उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के बारे में बताना है, जिससे वो अपने सामने आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर सके और अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने सपनों को भी पूरा कर सके। हमारा भविष्य, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, ये थीम एक्चुअली बड़ा ही रेलेवेंट है क्योंकि ये बात बहुत सच है, क्योंकि महिलाएं आज हर फील्ड में देश का नाम रोशन कर रही हैं। सूची तो बहुत लंबी चौड़ी है। अंजना मैम ने भी हमारे यहाँ लोकल जो जैसलमेर की महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में इतनी ऊंचाइयां हासिल करी उसके बारे में बताया है। मैं नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर जो महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है उनमें से कुछ का नाम लेना चाहूंगी, जैसे अवनी चतुर्वेदी को स्काई वॉरियर के नाम से कहा जाता है क्योंकि वो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट अकेले चलाया है। मिथाली राज, जो जिनका नाम आपने सुना होगा, उनके क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लेडी तेंदुलकर कहा जाता है। तो IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसमें भारत की पहली महिला जो चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर गई हैं गीता गोपीनाथ जी, उनका नाम भी हम काफी सुनते हैं। तो लिस्ट तो काफी लंबी है, मैंने सिर्फ कुछ नाम लिए हैं, पर आपको यही बताने के लिए कि वाकई समय अब हमारा है और इसलिए जितनी भी बालिकाएं यहाँ बैठी हैं कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, चाहे हम छोटे से शहर के हों, गांव के हों, कहीं से भी हों, हमें अपना कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं करना चाहिए। आज के दिन को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति की ओर लोगों को जागरूक करना है और महिलाओं का आत्मनिर्भर बढ़ाना है। बालिकाओं के समग्र विकास हेतु केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आप सबको पता ही है, उसके साथ साथ राज्य सरकार की काफ़ी स्कीम्स हैं जिसमें मंत्री महोदय जी ने भी बात करी थी, अंजना मैम ने भी बात करी, उमेश सिंह जी ने भी बात करी, जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, इस योजना में 6 किस्तों में कुल राशि 50,000 दी जाती है। IM शक्ति उड़ान योजना जिसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जा रहा है। शिक्षा सेतु योजना, क्योंकि ये खासकर अपने जिले के लिए काफ़ी रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पे बालिकाओं की शिक्षा अभी भी काफ़ी पीछे है, अभी भी काफ़ी कुछ डिजायर्ड है कि हम इसमें इम्प्रूव करें और बच्चियाँ काफ़ी हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाती हैं, तो राजस्थान ओपन बोर्ड द्वारा स्कूल ड्रॉप आउट बालिकाओं को 10वीं और 12वीं का कोर्स निःशुल्क अध्ययन की सुविधा ये इस स्कीम से हमें प्राप्त हो रही है। फिर समय समय पर साइकिल वितरण, गार्गी पुरस्कार, होनहार बालिकाओं को लैपटॉप का वितरण, स्कूटी वितरण,
ये सब स्कीम जो राज्य सरकार आपके लिए लाई है उसका यही उद्देश्य है कि महिलाएं और बालिकाएं विशेषकर ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाएं। बालिकाओं को विद्यालय में अब आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे उनकी सुरक्षा वो खुद सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बने। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि बस कुछ दिन पहले जैसा मंत्री महोदय ने भी आपको बताया कि लड़कियों की खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए हमने अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का सफल आयोजन किया अपने ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। और अब वो जो टीमें स्पेशली हमारी जो गर्ल्स की टीमें जो कबड्डी में बहुत अच्छी हैं वो अब राज्य स्तर पर जाके खेलेंगी और मेरी यही विश है कि वो जैसलमेर का नाम हमारे राज्य स्तर पर भी रोशन करें। जिले में एक लिंग भेद जो है उसे समाप्त करने के लिए हम जिला प्रशासन एक जिले लेवल पर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम करते रहते हैं, जैसे बेटियों का जन्मोत्सव मनाना, कन्या वाटिकाओं को विकसित करना। हम लोग समय समय पर रैलियां निकालते हैं, जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ भी दिलवाते हैं, हस्ताक्षर अभियान आदि काफ़ी कुछ हम चलाते रहते हैं इस चीज़ के लिए। जैसलमेर में जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि बालिका की शिक्षा में अभी भी काफ़ी चुनौतियां हैं और हमें इसको स्वीकार करने की ज़रूरत है क्योंकि तभी हम सब मिलजुल कर इससे आगे निकल पाएंगे। हम सबको प्रयास करना है कि बालिका शिक्षा के प्रति एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट का निर्माण करें और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, जिससे जो स्कूल ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे ज़िले में इससे हम बाहर निकल के आएँ। और जिला प्रशासन के विभिन्न अभियान चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन में भी हमने इसको रखा है कि स्कूल ड्रॉप आउट हम कम करें, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। मैं जैसलमेर के जिला वासियों को एक चीज़ पे बधाई देना चाहूँगी कि वर्ष 2021-22 में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ का जो आंकड़ा आता है इस बार सेक्स रेशियो 971 पर आ गया है, जो कि बहुत ही हर्ष का विषय है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये जो फर्क है, ये जो फर्क रह जाता है महिलाओं की संख्या और बालकों के बालिकाओं और बालकों की संख्या में, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। बाकी आप सब यहाँ आए, हमने ये मिलकर ये हम दिवस आज ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपनी बालिकाओं को सम्मान दे रहे हैं जो मेरिट होल्डर्स हैं और जो विभिन्न अभी हम और भी सर्टिफिकेट्स का वितरण करेंगे। तो आप सब यहाँ आए, आप सबने हमें सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका पुनः स्वागत। और आज की स्पेशल डे का जो मीरपुर और रंजना मैम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज ये हमारा दिन है, आप सबका दिन है, उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप अपना ये जोश बरकरार रखना क्योंकि आप में से ही कई बच्चियों को इस स्तर तक आगे पहुंचना है। आप सभी को आज के इस विशेष पावन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।